आज सुबह 6:30 बजे मैं भोलकपुर को आया हूँ, भोलकपुर बल्दी वार्ड में। और यहाँ पर हमारे मुतालिका रुकने बल्दिया जनाब वकील साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान शरीफ साहब, यामीन ख़ान साहब और दीगर सदर मुतमदीन के साथ और वाटर वर्कस के अहदेदारों के साथ मैंने यहाँ पर दौरा किया, क्योंकि आवाम को ये बताना ज़रूरी है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने भोलकपुर की आवाम से वादा किया था कि यहाँ पर एक नई सीवरेज लाइन पूरे भोलकपुर में डाली जाएगी और साथ ही साथ पानी की लाइन का भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर भोलकपुर वार्ड में 5-7 करोड़ की लागत से एक नई सीवरेज लाइन का काम 90% मुकम्मल हो चुका है। एक 10% काम बाकी है, ग्रेव यार्ड कब्रस्तान से लेकर जाने का है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरे भोलकपुर में एक नई सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है, 10% काम है, वह इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने वादा किया था आवाम से कि यहाँ पर नई पानी की लाइन पूरे भोलकपुर वार्ड में डाली जाएगी। तो मुझे बताते बड़ी खुशी हुई कि 12 करोड़ की लागत से एक नई पानी की लाइन मंजूर हो चुकी है, पाइप भी यहाँ पर पड़ना शुरू हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते 8-10 दिन के अंदर नई पानी की लाइन।